गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज है 12 सितंबर। और अभी फ़िलहाल हमने जस्ट ब्रेकफास्ट करा और अभी हम निकले हैं यहाँ से लोंगेवाला तनोट की तरफ बॉर्डर वगैरह देखने के लिए। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, फिर बाइक वगैरह करते हैं, फिर स्टार्ट तो अपने कैंप आउट से करते हैं अब चेकआउट। ठीक है, सो फिलहाल कर रहे हैं रूम से चेकआउट, सो चलते हैं अभी, तो बाइक करते हैं अभी कोल्ड स्टार्ट थोड़ी देर के लिए। सो अभी निकलते हैं यहाँ से लोंगेवाला की तरफ। हो चुकी है अपनी राइड की शुरुआत यहाँ से सुबह 9:07 पे। सो अभी तो फ़िलहाल मौसम एकदम ठंडा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी आगे जाके देखते हैं क्या सीन रहता है, जैसे कल हुआ था, बाकी देखते हैं सीन। अभी ज़रा याद हो, बस इनसे बचो, ये बहुत रोकते हैं आपको, आते आते रास्ते में रोकेंगे आपको। कैमल, कल भी मज़ा आ गया कैमल सफारी करके ना। यहाँ का देखो व्यू, सुबह सुबह का क्या ही व्यू आ रहा है, क्या ही व्यू लग रहा है, सीरियसली क्या ही व्यू लग रहा है। ओह, अभी तो एकदम सामने एक पतली सी सड़क जा रही है, सीधी एकदम पतली सी, अभी रोड भी छोटा हो गया। बाकी यहाँ से लोंगेवाला है 115 किलोमीटर, 115 किलोमीटर की दूरी पर है लोंगेवाला। सो आगे रास्ते में बहुत सारी बकरियाँ दिख गई हैं। तो सबसे ब्यूटीफुल सीन यही होता है जब रोड के बीच में ही आते हैं ना, बीच में सबसे ब्यूटीफुल सीन। वाह, दे दो हमको रास्ता, दे दो थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक अब रोड एकदम सीधा। तो यहाँ तक पूरी देखो ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और सीधा रास्ता जा रहा है सीधा लोंगेवाला। तो इतना प्यारा सा हाईवे, वो भी यहाँ पे यकीन नहीं होता यार, इतना सुंदर रोड, सीरियसली इतना सुंदर, इतना क्लियर, क्या ही रोड लग रहा है। सीधी इस व्यू के बीच में ऐसा रोड मिलना ना, कसम से कह रहा हूँ, राइडर के लिए तो मज़ा आ जाता है ऐसे रोड पे अगर बाइक चलाने के लिए मिल जाए ना। सो एक बार फिर हमारे रास्ते के बीच में आ चुकी हैं ये प्यारी प्यारी सी पूरे ग्रुप में चलती हैं लाइन वाइज। सो ये थर्ड टाइम हमारे रास्ते के बीच में फिर से आ चुकी हैं। इस रास्ते में सिर्फ आपको यही मिलेंगी और कोई नहीं मिलेगा इस रास्ते में, और इस बार तो हमारा पूरा रास्ता ही ब्लॉक है। ओ भाई, सो फिलहाल यहाँ से लोंगेवाला रह गया है 77 और तनोट रह गया 116। सो ये जो गांव है ना, इसका नाम है अलम का गांव। सो मैंने ये पीछे पड़ा हुआ देखा तो इसलिए आपको बताया। सो अभी हमारे साथ एक सीन हो गया, जो हमारी बंजी थी जिसे हमने अपना बड़ा वाला बैग बांधा हुआ था वो अभी टूट चुकी है रस्सी। सो अभी हमने मैंने ये वाला बैग अपने आगे डाल दिया, बड़ा वाला बैग था ना वो उसने पीछे डाल लिया। सो अभी बांधने का कोई सीन तो है नहीं, क्योंकि बंजी हमारी टूट गई। सो अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है अब रास्ते में ना, फुल प्रिपेयर रहना चाहिए आपको, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे नहीं उठेगा भाई मेरे, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं जाएगा, उठेगा ना यहाँ से। सो देखो रोड के बीच में एक छोटा सा गांव दिखा है, उस गांव का नाम पता नहीं क्या है लेकिन लग बढ़िया रहा है। तो कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अभी भी ना पूरे ऐसे कच्चे मकानों में लोग रहते हैं, तो क्या ही सही लग रहा है सीरियसली। बाकी ये देखो सैंड ड्यून्स के बीचों बीच तो हम हैं, बाकी ये देखो हमारे आगे पीछे सिर्फ ड्यून्स ही ड्यून्स हैं, सैंड ड्यून्स। अभी यहाँ से ना लोंगेवाला आई थिंक कोई 80 किलोमीटर रह गया है, तो फटाफट पहुँचते हैं वहाँ पर, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है धीरे धीरे।
ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी। तो लोंगे वाला बॉर्डर यहाँ से रह गया है सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे। तो आधे घंटे में हम वहाँ पे पहुँचा देंगे अपनी बाइक, तो बस देखते चलो। अब पूरा ही ग्रीन ग्रीन हो गया, पहले पूरा से सैंड से, अब जो पूरा ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ तक तो नजर आ रही है वहाँ तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो क्या ही बढ़िया लग रहा है, शानदार। लोंगे वाले के लिए कौन सा रहेगा? स्ट्रेट। सो हमें 3 राइडर और मिल चुके हैं यहाँ पे, ये भी लोंगे वाला ही जा रहे हैं। चल चल अगे चल, कोई चक्कर नहीं। 1500 जम्मू जम्मू से जम्मू से। सो ये टैंक वैंक आ गए अपने लोंगे वाला वाले जो हमने पाकिस्तान से जीते हुए हैं। सो अभी हमको अपने को जाना किधर हमें वो नहीं पता। सो फाइनली 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 लोंगे वाला पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आना मेरा एक सपना था और वो आज सपना पूरा हो गया है, और आज मैं यहाँ पहुंच गया हूँ ना, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती यार। ये वही T90 टैंक है जो 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान से हमें जीता था। आपको दिखाते हैं म्यूज़ियम, 1971 की लड़ाई, मूवीज टाइम, टिकट प्राइस 25 रुपीज़। सो अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर, सो यहाँ से चलते हैं। ये वाला गेट है, फर्स्ट गेट एंट्री का। ये जो बॉर्डर गेट, ये भी जो लड़ाई के टाइम पे ना 1971 की लड़ाई में जो पानी की बॉटल यूज़ हुई थी, जब हमने वो फिल्म देखी होगी बॉर्डर तो आपको पता होगा ये कब यूज़ हुई थी। ये इलेक्ट्रिक लैंटर, ये दूरबीन, ये तब की लड़ाई की है, अभी तक की लड़ाई। यहाँ पे एंटी टैंक माइन जो बॉर्डर फिल्म में यूज़ हुए थे, तो वो सीरीज वो लड़ाई के टाइम के यहाँ पड़े हुए एंटी टैंक राउंड्स। ये तब की मशीन गन यूज़ हुई थी तब, चाइनीज राइफल। तो ये देखो कितना प्यारा सा इन्होंने बनाया हुआ है, उस टाइम का दिखाया है कि इस तरफ पाकिस्तान आर्मी थी और उस तरफ हमारी इंडियन आर्मी, और किस टाइम सुबह सुबह जब वो प्लेन्स आए थे जेट और इन पे फायरिंग हुई थी इस तरह से। सो वो पूरा सीन यहाँ पे दिखाया हुआ आपको। सो अभी हम आपको ऐसी लोकेशन पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल फाइट हुई थी, वहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी हुई है पाकिस्तान की, पूरी डैमेज हुई, ठीक है। और उन बंकर पे लेके जाते हैं यहाँ पे हमारे इंडियन के जवान फायरिंग करते हैं यहाँ से बैठ के, उनके सामने जो पाकिस्तानी आए थे, तो आपको उस लोकेशन पे लेके चलते हैं अब, ओके। तो चलो बाबा मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये रास्ता, यहाँ से ये बंकर है, यहाँ से वो फायरिंग करते थे हमारी इंडियन आर्मी, सामने पाकिस्तान वहाँ पे टैंक आए हुए थे, सो यहाँ से वो फायरिंग करते थे इसी लोकेशन से। सो अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगी ये लोकेशन। सो ये जीप वहाँ की पाकिस्तान वालों की है जो हमने जीती हुई है, प्लीज डू नॉट क्रॉस फायर, ये थी वो जीप। वहाँ पे टैंक डिस्ट्रॉय पड़े हुए हैं ऊपर, तब के टाइम के जब लड़ाई हुई थी 1971 की, वहाँ पे गाड़ी पड़ी हुई डेस्ट्रॉय हुई पड़ी पूरी। तो एक ये है कि यहाँ से अंदर रह के वो फायरिंग करते थे, वो सामने टैंक पड़ा हुआ है पाकिस्तान वाला डेस्ट्रॉय हुआ हुआ, तो यहाँ तक टैंक पहुँच गया था, वो सामने पाकिस्तान का टैंक है। सो यहाँ से खड़े होकर वो फायरिंग करते थे अपनी इंडियन आर्मी वाले। सो अभी लोंगे वाला से निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं सीधे जैसलमेर। जैसलमेर का कहाँ से पड़ा? ये इधर से आगे क्या आएगा? जैसलमेर जाना है ना? सीधा जैसलमेर, रामगढ़ 43, जैसलमेर 108।
सो भी हम लगाएंगे सीधे जैसलमेर। सो हमारी सो अभी हमारे रास्ते में मिली हैं गायें। फिर लोग कैसे रहते होंगे इतनी गर्मी में। सो अभी हम निकल रहे हैं रामगढ़ वाली साइड से। सो रामगढ़ वाला रूट लिया है हमने जैसलमेर जाने के लिए। सो ये हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे रामगढ़। ये अपना है रामगढ़ इलाका। सो यहाँ पे अभी यहाँ से भी 66 किलोमीटर होगा अपना जैसलमेर। तो एक घंटे में तो लगा ही देंगे अपने जैसलमेर में। सो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा गोपुरों का माउंट गया था ना, वो थोड़ा सा हिल गया था। सो अभी उसको सेट करा हमने, क्योंकि वही देखो एंगल बार बार टेढ़ा हो रहा था अपने गोपुरों का। स्टैच होस्टल में जैसे जयपुर में रहे थे वैसे हम यहाँ पर रह रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल यहाँ से गड़ीसर लेक। तो गड़ीसर लेक घूमते हैं, उसके बाद घूमेंगे फोर्ट वगैरह। ठीक है, बड़े थक गए हैं, ज़्यादा नहीं घूमेंगे यार, क्योंकि मैं थक गया। मेरे को 300 किलोमीटर बाइक चला के ना मतलब थक जाता है सीरियसली। सो अभी सीधे चलते हैं गड़ीसर लेक, उसके बाद आके रेस्ट करते हैं, उसके बाद आके रेस्ट करेंगे, फिर कल घूमेंगे फोर्ट वगैरह, देखते हैं अभी कैसे रहता है। सो पहुंच चुके हैं हम गड़ीसर लेक, और ये है लेक का व्यू। कितनी प्यारी और कितनी ही शानदार लेक लग रही हो यहाँ पे। इस टाइम पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और यहाँ पे मछलियाँ चेक करो कितनी सारी मछलियाँ हैं। अगर किसी को याद होगा तो बहुत देर पहले ना एक सीरियल था एक रिश्ता साझेदारियों का, तो उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। सो अभी फिलहाल हम यहाँ बैठ के खेल रहे हैं चेस इस एरिया में बैठ के। गेम हो चुकी है यहाँ पे शुरू। सो अभी हम सोच रहे हैं ना क्यों ना फोर्ट के अंदर जाया जाए, वहाँ पे कैफे में बैठ के डिनर करके आते हैं। एक गेट है अपने फोर्ट का, यहाँ से चलते हैं अब अंदर। कुछ ऐसी जगह पे आए हैं डिनर करने के लिए, यहाँ से पूरे जैसलमेर का व्यू दिख रहा है, ये चेक करो। और सुबह सुबह हम आ चुके हैं आपको प्यारा सा फोर्ट दिखाने। गलियों और इन गलियों से गुजर रहे हैं अभी हम, और कितनी ही छोटी छोटी गलियों, इन गलियों के बीच में ना छोटे छोटे से कैफे बने हुए हैं। और जैसे यहाँ पे सामने कैफे हैं, और मार्केट देखो यहाँ से गलियों के बीच बीच में कितनी प्यारी प्यारी मार्केट बनी है। मैं भी आपको और मार्केट दिखाता हूँ, ये देखो ये कितनी प्यारी मार्केट लग रही है। सामान वगैरह है तो वो वह पैक करते हैं, और फिर यहाँ से निकलते हैं जी जम्मू के लिए। और आज हम बैठ रहे हैं ट्रेन में, और कल का ही पूरा दिन हमारा ट्रेनों का, और अगले दिन सुबह 5 बजे के बाद हम पहुँचेंगे जम्मू सिटी में। तो फाइनली रेडी टू गो। सो अभी निकल रहे हैं मुस्टैच हॉस्टल से, अभी जा रहे हैं सीधे रेलवे स्टेशन। अरे सी अब हमारी हो चुकी है कन्फर्म। सो भैया ट्रेन में बैठ चुके हैं। सो 11:25 पे हमारी ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है जैसलमेर से। सो पूरे 11:25 पे जैसलमेर से ट्रेन निकल चुकी है।
सो 4:10 पे हम पहुंच चुके हैं पठानकोट जंक्शन। मैं उतर चुका हूँ पठानकोट जंक्शन ही, बाकी फिलहाल मेरे को लेने के लिए आया हुआ है 4:00। सो अभी निकल रहे हैं इसके घर पे ही, बाकी का प्लान होगा आगे जाके साथ। चलो